ये जो सवाल आ रहा है इसके अंदर देखें, ये कार है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी रोड के ऊपर ट्रैवल करती है, नॉर्मल जैसे रोड होती है, रोड पे चलती हुई जा रही है, अचानक से ड्राइवर कुछ खतरा देखता होगा या जो भी बात है, ब्रेक अप्लाई करता है और जब ब्रेक लगाता है तो उसकी वजह से जो रिटार्डेशन आता है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आता है। तो आपको ये बताना है कि इस का पहले 6 सेकंड में, पहले 6 सेकंड में, 6 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो चलिए मैं इसमें ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है ये है 30 मीटर, दूसरा है 24 मीटर, तीसरा है 26 मीटर और चौथा है 25 मीटर। ठीक, 30 मीटर, 24 मीटर, 26 मीटर, 25 मीटर। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए, आप 2 मिनट का ब्रेक लेके इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर हमारे सॉल्यूशन को देखेंगे। तो अब इसमें रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आया, तो अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन आया तो अब हम ये देखें कि 6 सेकंड में ये कितना चलेगा। तो जैसे 6 सेकंड में, टोटल 6 सेकंड में कितना चलेगा ये पता लगाने के लिए हम UT+ ½AT² लगा देते हैं। तो UT+ ½AT² लगा देते हैं, तो U की वैल्यू जो आ रही है, U इन्होंने दिया है 36 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में बदले इसे, तो मीटर पर सेकंड में जब हम बदलते हैं तो आप सबको पता होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यू की वैल्यू 10 हो गई, टाइम 6 सेकंड हो गया, एक्सेलेरेशन -2 है, इंटू 6 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 36 आ जाएगा 24। तो 6 सेकंड में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 24 मीटर होगा। आपका आंसर यही आया होगा, आपने सॉल्व किया होगा, ये आपका आंसर आया होगा। लेकिन आप ध्यान से देखें, थोड़ा बारीकी से देखें, गणित और फिजिक्स में का फर्क समझे। आपने एकदम इक्वेशन लगा के देखा तो पता चला ये आ गया, लेकिन इसका जो सही आंसर है ना वो 24 नहीं, इसका सही आंसर है 25। ये सही आंसर है इसका। क्यों ये सही आंसर है, हम पहले तो ये पता लगाएं कि भाई ये कार जा रही थी, आप ब्रेक लगाओगे तो जाते 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 कहां जहां कहीं रुक जाएगी। अच्छा, ब्रेक लगाने से गाड़ी वापस तो नहीं आती है, तो हम पहले ये पता लगा लें कि ये 6 सेकंड तक चली भी है कि नहीं चली है। क्या पता 6 सेकंड से पहले ही रुक गई हो गाड़ी, तो 6 सेकंड से पहले ही रुक गई हो तो हमें तो बस उतना ही निकालना होगा ना जितना ही आगे की तरफ गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एस की जो वैल्यू आएगी, जो भी एस आएगा, यू है, पहले तो हम ये पता लगा लें कि रुकी कब ये, ये कार रुकी कब। तो रुकने का पता फैसला ऐसे होगा V=U+AT से, रुकने का डिसीजन यहां से हो जाएगा। V की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी किसके बराबर है 10, एक्सेलेरेशन 2 है, तो 5 सेकंड में ही रुक गई है। तो 5 सेकंड में रुक गई तो फिर इसका मतलब कि 5 सेकंड तक ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना इसका, 6वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। तो अगर ये 5 सेकंड रुकी हुई है तो सीधे सीधे मैं 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, UT+ ½AT² से, U 10 हो गया, T 5 हो गया, एक्सेलेरेशन -2 हो गया, इंटू 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 25 मीटर आ जाएगा। मतलब ये है कि गणित के हिसाब से जो सॉल्यूशन आ रहा है, एक बार आपको ये सोचना भी है कि वो सॉल्यूशन जो आ रहा है वो सॉल्यूशन मतलब फिजिक्स के हिसाब से सेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना था, अंधी मारी हमने फार्मूला लगाया, 24 मीटर आ गया, लेकिन ये गाड़ी में जब आप ब्रेक लगाओगे तो 6 सेकंड तक ये चली ही नहीं, गाड़ी 5 सेकंड तक ही चली। तो अगर 5 सेकंड तक चली है तो ये 25 मीटर के बराबर ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, 25 के बराबर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें सवाल बनते हैं, तरह तरह के इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। एक इसके अंदर आता है, इसी तरह के सवालों में एक कंसेप्ट आता है रिएक्शन टाइम का। रिएक्शन टाइम का कंसेप्ट आता है, ठीक है, ये रिएक्शन टाइम का कंसेप्ट क्या होता है इसको समझें। रिएक्शन टाइम जो है मतलब ये होता है कि कोई भी घटना हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट को देखने के बाद हम रिएक्ट कितने समय में करते हैं, जो इवेंट हुआ है उस इवेंट के होने में और आदमी के रिएक्ट करने के बीच का जो समय होता है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए कि मैं ऐसे चलता हुआ जा रहा था, मैंने देखा रास्ते में कैसे सांप खड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने सांप देखा तो सांप देख के जो मैं जितने समय बाद रिएक्ट करूंगा वही रिएक्शन का टाइम है। अब मैं रिएक्ट सांप देखने के बाद मेरे रिएक्शन का प्रोसेस क्या होगा इसको सोचें, कि जैसे मान लीजिए कि वहां पे ऐसे सांप बैठा हुआ था, अब सांप से लाइट रेज मेरी आंखों तक जाएंगी,
फिर आंखों मेरी रेटिना में इमेज बनेगी, इसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ नैनो सेकंड, कुछ माइक्रो सेकंड, तो रेटिना पे इमेज बनेगी, फिर वो इमेज जो है उसको ब्रेन प्रोसेस करेगा, ब्रेन प्रोसेस करेगा, ब्रेन के पास मैसेज जाएगा कि भाई सांप है। अब ब्रेन प्रोसेस करने के बाद ब्रेन डिसाइड करेगा, ब्रेन को डिसाइड क्या करना है, आमतौर पर तो यह डिसीजन होगा कि भाई भागो, या डिसीजन ये भी हो सकता है, ब्रेन ये भी डिसाइड कर सकता है कि मुकाबला करो, पैरों से जूते उते तुमने पहन रखे हैं तो मुकाबला करो, या तुम्हारे हाथ में कुछ है मुकाबला करो। तीसरा ब्रेन ये भी ऑर्डर देता है कि बैठ के ऐसे ऐसे बीन बजाओ तो क्या पता सांप भाग जाए, ठीक है। तो कुल मिला के आपका ब्रेन कुछ डिसाइड करेगा और आमतौर पर ऑर्डर देगा भागने के लिए। तो मान लीजिए ब्रेन ने ऑर्डर दिया भागो, अब वो ऑर्डर पैरों तक आने में कुछ टाइम लगेगा, फिर पैरों को जब ऑर्डर मिलेगा तो पैर भागना चालू करेंगे। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसी को रिएक्शन टाइम कहते हैं। आपने देखा सांप और देखने के एक सेकंड बाद आपने पहला एक्ट एक्शन किया, आपने जो रिएक्शन आपका था वो एक सेकंड बाद हुआ, तो वो जो एक सेकंड होगा वो रिएक्शन टाइम होगा। छोटी एज में, जिस एज में आप लोग हैं उस एज में रिएक्शन टाइम जो होता है वो कम होता है, 0.1 सेकंड या 0.2 सेकंड या 0.3 सेकंड होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिएक्शन टाइम बढ़ता जाता है। जो सीनियर लोग होते हैं 50 के ऊपर, 60 के ऊपर, 65 के ऊपर, उनसे कोई भी बात बोलो तो सबसे पहले कहेंगे हाँ, ऐसे बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका रिएक्शन ऐसा नहीं कि उन्हें सुनाई नहीं पड़ता, अगर उन्हें सुनाई नहीं पड़ता तो दूसरी बार भी नहीं सुनाई पड़ता जब आप बोलते हैं, उसी आवाज में आप बोलेंगे, लेकिन दूसरी बार वो उनको सुनाई पड़ जाता है क्योंकि उनका रिएक्शन टाइम ज्यादा होता है। रिएक्शन टाइम बेसिकली इसी को कहते हैं। शराब पी के गाड़ी चलाने से रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए देखिए शराब पी के लिखा रहता है ना हाईवे पे, शराब पी के वाहन ना चलाएं, तो सरकार तो ये थोड़ी चाहती कि आप शराब ना पिए, शराब के लिए तो सरकार चाहती है कि भाई खूब पिए, खूब सरकार को रेवेन्यू मिले। वाहन अगर आप चलाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन टाइम आपने खूब ज्यादा शराब पी ली, एकदम बिल्कुल हिलते हुए जा रहे हैं, तो 2 सेकंड आपका रिएक्शन टाइम हो गया। तो अब जैसे ही कोई खतरा आपको कोई गड्ढा दिखेगा तो 2 सेकंड बाद आप ब्रेक मारेंगे, तब तक तो गाड़ी लेके चला जाएगा वो, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम जो है इसी टाइम को कहते हैं कि रिएक्ट करने में जो रिस्पॉन्ड करने का फर्स्ट रिस्पॉन्स का टाइम जो होता है दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम। तो मैं लिख दे रहा हूं टाइम बिटवीन इवेंट, टाइम बिटवीन इवेंट एंड द रिस्पॉन्स, टाइम बिटवीन इवेंट एंड द रिस्पॉन्स इज रिएक्शन टाइम। टाइम बिटवीन इवेंट एंड द रिस्पॉन्स इज रिएक्शन टाइम। इवेंट और रिस्पॉन्स के बीच का जो टाइम है दैट टाइम इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। अब ये जो रिएक्शन टाइम है फिजिक्स में कई जगहों पर आता है, फिजिक्स में इसका काफी इस्तेमाल होता है। एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए कि एक कोई टैक्सी है और ये टैक्सी जा रही विद वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से ये टैक्सी जा रही है। सामने ड्राइवर एक खतरा देखता है और ब्रेक मारता है, ठीक है, इसी पे सवाल बना है। द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स विच प्रोड्यूस, ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स विच प्रोड्यूस रिटार्डेशन ऑफ, ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स विच प्रोड्यूस रिटार्डेशन ऑफ 2 m/s². Find the minimum stopping distance if reaction time is 0.5 seconds. ये ड्राइवर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज रफ्तार में भागता चला जा रहा है, अचानक से सामने खतरा देखता है और ब्रेक अप्लाई करता है। जब ब्रेक अप्लाई करता है तो जो रिटार्डेशन होता है वो 2 m/s² का होता है। तो आपको बताना है कि मिनिमम कम से कम कितनी दूरी पे जाके रुकेगा अगर उसका रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड है, ठीक है, ये आपको बताना है। 2 मिनट का समय ले, सॉल्व करें, फिर जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं उस सॉल्यूशन को ध्यान से देखें, ठीक है, पॉज करके सॉल्व करेंगे। अब तक मैं ये इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं, थोड़ा तब तक आप सॉल्व करें।
साहब। तो जैसे 72 किलोमीटर पर आवर है, तो भाई ये जो स्पीड है ये 72 को मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड में, अगर तो 72 इंटू 5 बाई 18 तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। कन्वर्जन करना आपको पता ही है, 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगी इसकी स्पीड। अब 20 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गई, रिएक्शन टाइम इसका 0.5 सेकंड है, तो रिएक्शन टाइम 0.5 का मतलब ये है, अगर हम रिएक्शन टाइम 0.5 बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि 0.5 सेकंड तक ये जो कार है ये वैसे की वैसे ही चलती रहेगी, निर्बाध जो वेलोसिटी थी जो थी वैसे की वैसे चलती रहेगी, कोई फर्क ही नहीं आएगा। तो 0.5 सेकंड तक अगर ये गाड़ी वैसे की वैसे चलती रही तो 0.5 सेकंड में चल कितना जाएगी, 0.5 इंटू वेलोसिटी इसकी 20 थी। ब्रेक तो रिएक्शन टाइम के बाद, रेस्पॉन्स जो आएगा वो तो रिएक्शन टाइम के बाद आएगा, तो अगर इसकी वेलोसिटी 20 थी तो 0.5 रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड है तो 0.5 सेकंड तक तो वैसे ही चलती रहेगी, तब तक ब्रेक लगेगा ही नहीं, उसके बाद फिर इसके अंदर ब्रेक लगेगा और यहां तक जब गाड़ी पहुंचेगी तो यहां इसकी वेलोसिटी अभी भी 20 ही रहेगी। यहां तो 20 थी, रिएक्शन टाइम तक कुछ हुआ ही नहीं तो ये उसी वेलोसिटी से चलती जाएगी, अब यहां ब्रेक लगेगा। अब जब ब्रेक लगेगा तो मैं मान लेता हूं कि फाइनली ये एल दूरी और चल गई, अब यहां से यहां तक मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो जीरो आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी है 20, एक्सेलेरेशन जो है वो एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहां पर आपको 2 दे रखी है और s हमें पता लगाना है, तो सॉल्व करने से s की जो वैल्यू आएगी यह आ जाएगी 20 का स्क्वायर अपॉन 4, s 100 आ जाएगा 100 मीटर, तो 100 मीटर तो ये गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद चलेगी और 10 मीटर पहले ही चल चुकी थी, तो कुल मिला के जो डिस्टेंस आएगी वो 10 प्लस 100 यानी 110 मीटर के बराबर आ जाएगी। कुल मिला के जो डिस्टेंस आएगी वो 10 प्लस 100 यानी 110 मीटर 110 मीटर के बराबर ये गाड़ी चल जाएगी। तो ये रिएक्शन टाइम का कंसेप्ट होता है, रिएक्शन टाइम जो होते हैं उसमें उतनी देर तक जो रिएक्शन टाइम होता है उतनी देर तक रिस्पॉन्स नहीं आता है, उतनी देर तक गाड़ी वैसे ही चलती रहती है, उसके बाद जो है वो उसका रिस्पॉन्स आता है। तो ये रिएक्शन टाइम की सिचुएशन हो गई। ये देखिए एक सवाल आ रहा है, इसके अंदर ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेन वाला सवाल है, ट्रेन के अंदर जो होता है गार्ड होता है जो सबसे पीछे होता है और ट्रेन के अंदर जो ड्राइवर होता है वो सबसे आगे होता है। तो ये जो ट्रेन का सवाल है इसमें कह रहे हैं कि ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से ट्रेन जा रही है, व्हेन द ड्राइवर पासेस फ्रॉम इट, कोई पेड़ है उसके पास से ड्राइवर गुजरता है तो ट्रेन का स्पीड यू होता है, जब उसी ट्रेन का गार्ड उसी पेड़ के पास से गुजरता है तो ट्रेन का स्पीड वी होता है। तो आपको बताना है कि जब ट्रेन का मिडिल पॉइंट वहां से गुजर रहा है तो उस समय ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ये आपको बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ये क्वेश्चन के अंदर जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेन है, छुक छुक वाली ट्रेन है मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए, ये ट्रेन है और फिलहाल अभी ये ट्रेन किसी एक पेड़ के पास से गुजर रही है, पेड़ में यहां बना दे रहा हूं, और इस ट्रेन का स्पीड जो है वो यू के बराबर है। कुछ समय बाद यही ट्रेन का जो मिडिल पॉइंट है वो भी इसी पेड़ के पास से गुजरेगा, जब इसका मिडिल पॉइंट गुजरेगा तो इसकी स्पीड हमें पता नहीं है, मैंने इसकी स्पीड वी डैश मान ली, ठीक है, और कुछ समय के बाद इसी ट्रेन का जो सबसे आगे पीछे वाला पॉइंट यानी इस ट्रेन का जो गार्ड है वो भी इसी जगह से गुजरेगा और उस समय इसकी स्पीड इन्होंने वी दे रखी है, ठीक है। तो जब ड्राइवर गुजर रहा था तब ट्रेन की स्पीड यू थी, जब गार्ड इसी पेड़ के पास से गुजरा तो स्पीड वी है, जब मिडिल पॉइंट गुजरेगा तो स्पीड क्या होगी। मैं मानता हूं ट्रेन की लंबाई एल है, ऐसा मान रहा हूं मैं ट्रेन की लंबाई एल है, जब मिडिल पॉइंट गुजरेगा तो ये वाली दूरी एल बाई टू हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस आएगी जब भी मिडिल पॉइंट गुजरेगा तो ये दूरी एल बाई टू हो जाएगी, ठीक है, ये एल बाई टू होगी, ये भी एल बाई टू होगी और ये भी एल बाई टू होगी। अब इसमें ट्रेन की कुल लंबाई मैंने एल मान ली थी, एल लास्ट में मुझे इलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन की लंबाई तो दे नहीं रखी, हमें यू वी का रिलेशन चाहिए। मैं ऐसा करता हूं यहां से यहां तक ये इनिशियल पॉइंट मान लेता हूं, ये फाइनल मान लेता हूं, यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन लगाता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s,
तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूं, कहां से कहां तक लगाता हूं ये इंपॉर्टेंट है, इस जगह तक लगाता हूं, तो यहां से यहां लगाऊंगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी डैश, इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू, तो वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए इंटू एल बाई टू, एक ही आ जाएगा। फिर मैं यहां से यहां तक लगाऊंगा यही सेम थर्ड इक्वेशन, मैं यहां से यहां तक लगाऊंगा, और अगर मैं थर्ड इक्वेशन यहां से यहां तक लगाऊंगा तो फाइनल वेलोसिटी वी है और इनिशियल वी डैश हो गई है, तो अब मैं इक्वेशन लिखूंगा अगर तो वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी वी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू एल बाई टू, ये हो जाएगा। अब मुझे ना तो ए पता है ना एल पता है, तो मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, इसको मैं इधर लाऊंगा यू को, उसको उधर ले जाऊंगा, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू, तो यहां से वी डैश की जो वैल्यू आ रही वो आ रही अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू, ये वी डैश की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जब मिडिल पॉइंट यहां से गुजरेगा उस समय वेलोसिटी v डैश मान ली मैंने, एक बार मैंने इक्वेशन थर्ड इक्वेशन इसके इसके बीच लगाया, फिर एक बार थर्ड इक्वेशन इसके इसके बीच लगाया, जब इसके इसके बीच लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी v होगी इनिशियल v डैश होगी, जब इसके इसके बीच लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी v डैश हो जाएगी इनिशियल u के बराबर हो जाएगी, ठीक है। फिर ये थर्ड इक्वेशन लगा के हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इस तरह का एक रिलेशन इसके अंदर आ गया। बड़ा अच्छा सवाल इसमें बनता है, और इसमें बेस बहुत सारे सवाल होते हैं कि सक्सेसिव सेकंड का मतलब जो जैसे पहला सेकंड दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इसमें कोई पार्टिकल चल रहा है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका रेशियो क्या होता है, सक्सेसिव सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका रेशियो क्या होता है। तो देखें जैसे मान लीजिए पहले सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, मान लेते हैं रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, पहले सेकंड में मैंने एस वन बोल दिया, दूसरे सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी उसको मैंने S2 बोल दिया, तीसरे में जो ट्रेवल करी उसको मैंने S3 बोल दिया, चौथे में जो ट्रेवल करी उसको मैंने S4, ऐसे करके पांचवा छठा सातवां ऐसे करके हम लोग चलते चले जाएं। तो अब पहले सेकंड में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी इसका एक फार्मूला बनता है जो कई सारे सवालों में इस्तेमाल होता है। पहले सेकंड में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू है जीरो, ठीक है, टाइम एक सेकंड हो गया, एक्सेलेरेशन ए है, सॉरी यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर नहीं, यू एनवे सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट था उसका फॉर्मूला में लगाएंगे, एनवे में होता है यू प्लस वन बाई टू ए टू एन माइनस वन, ये फार्मूला था। तो पहले सेकंड में जो होगा एस एन की जो एस वन जो आएगा पहले सेकंड में चली गई दूरी हो जाएगी जीरो प्लस वन बाई टू ए टू इंटू वन माइनस वन, तो ये एस वन जो आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी, एस वन की वैल्यू आ जाएगी टू इंटू वन माइनस वन, तो ए बाई टू आ जाएगी, ठीक। दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही u प्लस वन बाई टू ए टू इंटू टू माइनस वन, तो ये आ जाएगा थ्री ए बाई टू। इसी तरह से तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो होगी u प्लस वन बाई टू ए इंटू टू इंटू थ्री माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा फाइव ए बाई टू। इसी तरह से nवे सेकंड में जो आएगा वो आ जाएगा u प्लस वन बाई टू ए टू इंटू एन माइनस वन, ये हो जाएगा 2n माइनस वन इंटू ए बाई टू, यह आ जाएगा। अब आपसे कहा गया इसका रेशियो निकालो 1, 2, 3 ऐसे करके इसका रेशियो निकालो, तो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो इन सबको डिवाइड करना होगा हमें, तो a बाई टू तो सब में से कट जाएगा, सब में से कट जाएगा, और मैं अगर रेशियो निकालूंगा तो s1 वन इज टू एस टू इज टू एस थ्री, ये जो रेशियो आएगा ये रेशियो जो आएगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग रेशियो होता है 1:3:5:7:9:something, जैसे अगर आपको रेशियो निकालना है तो ये ऑड नंबर्स का रेशियो आता है, ठीक है। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रही है तो उसके एक्सेलेरेशन का जो उसके डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा ना सक्सेसिव, पहले सेकंड में मान लो एक मीटर चली तो अगले सेकंड में फिर तीन चलेगी, फिर उसके अगले में पांच चलेगी, फिर उसके अगले में सात चलेगी, उसके अगले में नौ चलेगी, इस तरह से ये रेशियो आ जाता है। ये काम की चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है, मतलब इनका इसका जो रेशियो आएगा एस वन इज टू एस टू इज टू एस थ्री इज थ्री एस फोर, ये ऑड नंबर्स के रेशियो आता है। पहली बार इसको गैलीलियो ने किया था,
ये काम गैलीलियो ने किया था, एक पत्थर लिया था, इसे गिरा दिया, पत्थर गिरा दिया तो पत्थर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से नीचे आता है, तो जब उन्होंने मेजर किया ना कि अलग अलग सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो देखा कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में जो रेशियो आता है वो ऑड नंबर का रेशियो आता है, डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड का जो रेशियो आता है वो ऑड नंबर का रेशियो आ जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है जो आपको दिमाग में रखना है कि सक्सेसिव सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसका रेशियो 1:3:5 आता है। ठीक है, अब इसके अंदर और भी इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एक्सेलरेशन 2 meters per second square. Particle starts from rest and moves with acceleration 2 meters per second square at t is equal to 10 seconds a constant at t is equal to 10 seconds a constant retardation constant retardation is applied and at t is equal to 10 seconds a constant retardation is applied and the particle stops in next 5 seconds Particle stops in next 5 seconds. Find the total distance. Find the total distance traveled सवाल बड़ा सिंपल सा सीधा सा था, प्यारा सा सवाल है। एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट से स्टार्ट करता है और 2 meters per second square के एक्सेलेरेशन से 10 सेकंड तक चलता है। 10 सेकंड जब बीत जाते हैं तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट रिटार्डेशन अप्लाई किया जाता है और ये पार्टिकल अगले 5 सेकंड में यानी कुल 15 सेकंड तक चलाता है ये, तो ये पार्टिकल अगले 5 सेकंड में जाकर रुक जाता है। तो आपसे पूछा गया कि टोटल कितनी दूरी वो तय कर रहा है। 2 मिनट का पॉज ले, पॉज लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्यूशन देखें। ये देखें, ये मान लेते हैं कि यहां से पार्टिकल स्टार्ट किया t बराबर 0 से, t बराबर 10 तक ये एक्सेलरेट किया है और फिर 5 सेकंड तक ये रिटार्ड किया है, कुल t बराबर 15 सेकंड पे आके ये रुक गया है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। अच्छा, 10 सेकंड तक ये एक्सेलरेट किया था तो 10 सेकंड तक अगर एक्सेलेरेट करेगा ये तो इसकी 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v बराबर u प्लस 80 से आ जाएगी वेलोसिटी। u 0 था, a 2 है, टाइम 10 है, तो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी। तो 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी 0 से 20 हुई 10 सेकंड में, फिर अगले 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 20 से 0 हो गई। तो आपसे कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस निकालो, तो टोटल डिस्टेंस निकालने में सबसे बढ़िया तरीका मालूम है क्या है, इस तरह के सवालों में जहां इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आप यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, रिटार्डेशन दिया ही नहीं है, तो रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा आपको। अगर आप इस फॉर्मूले को लगाए तो देखिए फट से ये सवाल हो जाएगा। कैसे, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, u प्लस वी बाई टू इंटू टी, यू है 0, v है 20 बाई टू और टाइम यहां से यहां तक का 10 सेकंड था, यहां से यहां तक का टाइम 10 सेकंड था, यहां से यहां तक भी वही फॉर्मूला लगा सकते हैं u प्लस वी बाई टू इंटू टी। यू जो है यहां पर u है 20, फाइनल वेलोसिटी 0 है और टाइम जो है ये 5 सेकंड है। ठीक है, तो अगर यहां देखो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल यहां भी पता है, यहां भी इनिशियल फाइनल पता है, टाइम भी पता है, तो u प्लस वी बाई टू इंटू टी वाला जो फॉर्मूला है वो बेहतरीन फॉर्मूला है। अब इसको देखो आप, ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। देखें 20 बाई टू 10 हो गया, 10 × 10 = 100 और वो 10 × 5 50 आएगा, वो 50 आएगा,
10 × 5 = 50 और 100, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 50 + 100, तो 50 + 100 कितना हो जाएगा, ये 150 मीटर, 150 मीटर के बराबर ये डिस्टेंस आ जाएगी। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल है उसको हमने ऊपर उछाल दिया या ऊपर से उसको नीचे फेंक दिया, या सिंपल जैसे मान लीजिए कि इसको हमने से छोड़ दिया या इसको ऐसे उछाल दिया या किसी ऊंचाई से हमने इसको फेंका, तो जब भी कोई पार्टिकल हवा में चलता है तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके ऊपर जो धरती फोर्स लगाती है वो mg लगाती है। ये फोर्स हो गया, f बराबर ma होता है, तो सॉल्व करने पे जो एक्सेलेशन आता है वो g आता है, और चूंकि धरती हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी तो एक्सेलेशन हमेशा g डाउनवर्ड होता है। तो जब भी कोई पार्टिकल ग्रेविटी के इफेक्ट में स्टडी कर रहा है, सॉरी ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका जो एक्सेलेशन होता है वो हमेशा g डाउनवर्ड होता है। यहां पर हम ये मान रहे हैं कि एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, और मैं बता दूं आपको एयर का रेजिस्टेंस जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक आपको कंसिडर भी नहीं करना है। एयर का जो रेजिस्टेंस है, अगर आपसे कह दिया कि नहीं भाई मानो एयर है तब तो ठीक है, नहीं तो एयर का रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करना है। तो अगर हम एयर के रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं और वो हम हमेशा करेंगे, तो उस कंडीशन में कोई भी पार्टिकल जब ग्रेविटी के अंदर चलता है तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलेरेशन होता है वो जी डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो पार्टिकल जब भी ग्रेविटी में मूव करता है तो एक्सेलेरेशन, ये मैं लिख देता हूं आपको, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल अंडर ग्रेविटी, यहां पे मैं मान रहा हूं कि बस ग्रेविटेशनल फोर्स ही है और कोई फोर्स नहीं है, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल अंडर ग्रेविटी इज जी डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ होगा। पार्टिकल चाहे ऊपर जा रहा हो, चाहे नीचे जा रहा हो, जो एक्सेलेरेशन होगा वो जी डाउनवर्ड्स होगा, जी नीचे की तरफ होगा। अब ये जी की जो वैल्यू आती है, सभी को पता है ये जी की वैल्यू होती है 9.81 m/s², पर हम लोग क्या करते हैं कि 9.81 तो है एक्यूरेट वैल्यू, ये है धरती के अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, ये पोल्स पे होती है वैल्यू, ये सॉरी तो अलग अलग पॉइंट पे हम निकालते हैं। तो कहने का मतलब जी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से 10 ले लिया करते हैं, क्वेश्चन में अगर उसने 9.8 दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो हम लोग कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जी को 10 ले लेंगे, हल्का फुल्का आंसर में फर्क आ जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो जब भी कोई पार्टिकल जो है वो ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रहा है तो जो उसका एक्सेलेरेशन होता है वो जी डाउनवर्ड्स होता है। मतलब क्या है इसको समझिएगा सब लोग, जैसे मान लीजिए कि ये पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, जब ये यहां पर है तो वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ होगी इसकी, लेकिन एक्सेलेरेशन इसका जी डाउनवर्ड्स होगा, नीचे की तरफ होगा। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकेगा ना तब ना वापस आएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकेगा फिर वापस आ जाएगा, देखे रुका है पहले फिर वापस आया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन एक्सेलेरेशन अभी भी इसका जो है जी डाउनवर्ड्स होगा, वी जीरो होगा और एक्सेलेरेशन होगा जी डाउनवर्ड। अगर पार्टिकल यहां पे है तो वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड होगी और जो एक्सेलेरेशन होगा वो भी डाउनवर्ड होगा, वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, एक्सेलेरेशन जो होगा वो भी डाउनवर्ड होगा और वो भी जी के बराबर होगा। कुल मिला के कहने का मतलब है पार्टिकल चाहे ऊपर जाए चाहे पार्टिकल नीचे जाए जो एक्सेलेरेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है। अब इसमें बात आती है कि भी प्लस माइनस का क्या लेना है, तो जैसे मान लो हमने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तब तो जी को नेगेटिव लेंगे, अगर मान लो हमने नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तब हम जी को पॉजिटिव लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जी प्लस में आता है या माइनस में आता है, वो 9th क्लास में होता था कि आपने रट लिया था कि नीचे फेंकेंगे तो जी पॉजिटिव ऊपर फेंकेंगे तो जी नेगेटिव, ये सब आपने रट लिया था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर क्या है कि अब आप थोड़ा सा मेच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और आप चीजों को समझ रहे हैं, तो कहने का मतलब कि अगर आप अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो जी नेगेटिव आएगा, आप डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो जी पॉजिटिव आएगा, ये आपके ऊपर है ना कि आप किस किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी बेसिकली कोई नई चीज नहीं, ये भी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के केस हैं, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाले जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं सबके सब इसके अंदर एप्लीकेबल होते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो है इसमें कुछ कुछ जैसे सवाल बनते हैं तो वो सवाल मैं करने जा रहा हूं। जैसे एक सवाल यहां पर इस टाइप का है, मान लीजिए कि एक पार्टिकल है उसको हमने यू वेलोसिटी से फेंका, गया और आया, जब आएगा तो चूंकि एयर का रेजिस्टेंस तो है नहीं तो एनर्जी का लॉस तो होगा नहीं, तो जिस वेलोसिटी से ये ऊपर गया था उसी वेलोसिटी से नीचे भी आ जाएगा।
अब इसके अंदर ये पूछा जाता है कि भाई इसके यहां से यहां तक जाने और आने का समय कितना होगा। तो अगर हमें यहां से यहां तक जाने का समय निकालना है मान लीजिए, तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इक्वेशन लगा देता हूं, या यहां से यहां तक लगा देता हूं। v0 ले लिया मैंने, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, तो मैं यहां से यहां तक अगर इक्वेशन लगाऊं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी तो हो गई जीरो, यहां से यहां तक लगाऊंगा तो फाइनल जीरो हो गई और एक्सेलेरेशन माइनस जी था, तो ये हो जाएगा u माइनस जी टी, तो टाइम कितना आ जाएगा u बाई जी। इसी तरह सॉल्व करेंगे तो u बाई जी जाने का टाइम होगा और u बाई जी आने का टाइम होगा, तो टोटल जो टाइम आएगा इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह देते हैं, ये 2u / g के बराबर होता है, ये याद रहे तो अच्छा है। पार्टिकल को जाने में u / g समय लगेगा, आने में u / g समय लगेगा, और कुल जो इसको समय लगेगा वो 2u / g के बराबर होगा। एक इसके अंदर ये भी पूछते हैं मैक्सिमम हाइट, तो चलो जैसे मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेते हैं इसकी। मैक्सिमम हाइट निकालनी तो यहां से यहां तक मैं थर्ड इक्वेशन लगा देता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है और s जो है वो h के बराबर है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर बाई 2g। ये भी दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी पत्थर को अगर आप नीचे से फेंकेंगे तो जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो u स्क्वायर बाई 2g के बराबर होगी, और जो उसको टाइम लगेगा वो 2u / g के टाइम लगेगा। u / g जाने में समय उसको लगेगा, u / g उसको आने में समय लगेगा। ये नोट कर लेंगे और ये काम की बात है, मतलब ये इस्तेमाल में आती है। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें थी। अब मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, सपोज करिए एक पार्टिकल है, इसको हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, तो एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल बनता है कि फाइंड, सबसे सिंपल सवाल मोशन अंडर ग्रेविटी का जो हो सकता है वो मैं आपको करा रहा हूं, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट तो एक तो ये है तरीका कि हम फंडामेंटल से इक्वेशन लगा के करें, एक ये कि सीधे भाई हम फार्मूला लगा दें, तो चलो मैं सीधे ये 2u / g और ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया ये सिखाना था मुझे, तो टाइम ऑफ लाइट 2u / g हो गया, u की वैल्यू है 20, g हम 10 ले लेंगे, तो ये 4 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ लाइट 4 सेकेंड आ गया और मैक्सिमम हाइट जो आएगी वो u स्क्वायर / 2g के बराबर आएगी, तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 2 * 10, तो ये 20 मीटर के बराबर आ जाएगी। जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो 20 मीटर के बराबर हो जाएगी और जो टाइम ऑफ लाइट आएगा वो 4 सेकंड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये सवाल बड़ा बढ़िया आ रहा है कि ये एक कोई वाटर टैप है जिससे बूंदें लगातार गिर रही हैं, रेगुलर इंटरवल पे गिर रही हैं। ठीक है, और जब ये पहली बूंद जो है वो जब ग्राउंड पर होती है, ठीक है, तो चौथी बूंद जो है, पहली बूंद जब ग्राउंड पे होती है तो जो चौथी बूंद है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, तो तीसरी यहां कहीं पर होगी और दूसरी बूंद यहां कहीं होगी। ठीक है, ये 4, 3, 2, 1 ये बूंदे हैं और ये जो भी ड्रॉप्स है ये अपनी अपनी जगहों पर है। अब इसमें यही पूछा है कि आपको ये बताना है कि कुल कितने रेगुलर टाइम के बाद ये बूंदें गिर रही हैं। तो जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जब भी कभी सक्सेसिव चीजें फॉल करती है ना, तो सक्सेसिव सेकंड में जो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है वो 1:3:5:7:9 होता है, ऐसा होता है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में हम डिस्टेंसेस का रेशियो निकालेंगे इक्वल टाइम में, तो 1:3:5:9 इस टाइप से रहेगा। तो जैसे अगर मैं इस दूरी को एक्स मान लूं, तो ये जो दूरी आएगी ये दूरी आ जाएगी 3x, और ये वाली जो दूरी आएगी ना ये 5x आ जाएगी। सक्सेसिव सेकेंड्स में जो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है 1:3:5 होता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 5x, ये हो जाएगा 45, तो ये 9x इज इक्वल टू 45 हो गया, तो x की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, 5 के बराबर हो गए, तो जो x आएगा वो 5 के बराबर हो जाएगा, तो जो x होगा दैट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये बूंद यहां से यहां तक मान लेते हैं t समय में पहुंची
और ये डिस्टेंस उसने 5 मीटर ट्रेवल की, तो s इज इक्वल टू होता है हाफ 80 स्क्वायर, s इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर होता है, और s की वैल्यू जो है वो x के बराबर है, और a जो है, s की वैल्यू x के बराबर है, a जो है वो 10 के बराबर है, और टाइम मुझे पता लगाना है कि कितने समय के बाद ये बूंदे गिर रही है। तो x जो कि 5 के बराबर है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये कह रहा है t की वैल्यू जो आएगी वो 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, t जो है वो 1 के बराबर जाएगा, तो टाइम 1 सेकंड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि बूंदे कितने समय के बाद गिर रही है। एक इस टाइप के, इस वैरायटी के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं कि सपोज करिए एक टावर है, सपोज करिए 100 मीटर ऊंचा टावर है, 100 मीटर्स इसकी हाइट है, और यहां से एक बॉल ड्रॉप करी गई, छोड़ी गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और यहां से एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई 50 मीटर पर सेकंड से। जिस मोमेंट पे ये बॉल छोड़ी गई है उसी मोमेंट पे इस बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखे, फाइंड द टाइम व्हेन, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल विल, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल विल, when the two balls will collide, and the time when the two balls will collide, कितने समय के बाद ये दोनों बॉल कोलाइड करेंगे। 100 मीटर ऊंचा टावर था, t बराबर 0 है, इसको हमने छोड़ा हुआ है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसको 50 से हमने ऊपर की तरफ फेंका हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हमें यही पता लगाना है कि कितने समय के बाद ये कोलाइड करेंगी। वैसे तो ये रिलेटिव का सवाल है, रिलेटिव से बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन हम बिना उसके भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस जगह पे ये दोनों बॉल कोलाइड की, और इसने जो दूरी तय करी वो L1 तक तय करी, और इसने जो दूरी तय करी वो L2 तय करी। जब ये कोलाइड करेंगे तो एक ने L1 दूरी तय करी, एक ने L2 दूरी तय करी, तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। L1 की जो वैल्यू आएगी, L1 की वैल्यू ये हो जाएगी हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, और L2 की वैल्यू आएगी 50t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगी, और ये बराबर हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो हाफ टी स्क्वायर से टी स्क्वायर चला जाएगा, 50t इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 2 के बराबर जाएगी, तो जो टाइम आएगा 2 सेकंड आ जाएगा, तो 2 सेकंड के बाद ये बॉल्स एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे। ये वाली ऊपर की तरफ जाएगी तो इसके लिए ut माइनस हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगी तो इसके लिए हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और टाइम 2 सेकंड आ जाएगा, तो 2 सेकंड के बाद ये कोलाइड कर जाएगा। अब इसमें बैलून कंसेप्ट क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। बैलून कंसेप्ट ये होता है, या बैलून से जुड़े हुए सवाल, जैसे मान लीजिए मैं ट्रेन में बैठ के जा रहा हूं, ट्रेन में बैठ के जा रहा हूं, तो मेरी जो वेलोसिटी आएगी वो ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर होगी, या मैं कार में बैठ के जा रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी कार के बराबर होगी। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ऐसे ट्रेन जा रही है और ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली होती है, तो रुकने ही वाली होती है, तो कुछ लोग ट्रेन से उतर जाते हैं, और उतरते ही ऐसा नहीं कि वो रुक जाते हैं, वो दौड़ने लग जाते हैं। जैसे उतरेंगे तो उतरते ही फिर वो दौड़ने लग जाते हैं। जब वो दौड़ने लग जाते हैं तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण ये होता है कि जैसे ही वो ट्रेन से उतरे तो उनकी वेलोसिटी ट्रेन के बराबर है। अब जो ट्रेन की वेलोसिटी वही उनकी है, तो वो अगर दौड़ते रह जाएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो अगर मान लो वैसे ही रुक गए तो उनकी बॉडी के अंदर तो वेलोसिटी है ही, अगर रुक गए तो आगे जाके पट से गिर पड़ेंगे। तो मतलब यह है कि कोई भी बॉडी जिस बॉडी के साथ अटैच है उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसके बराबर होती है। तो बैलून के जो सवाल आते हैं बैलून कंसेप्ट के अंदर, ऐसा ही होता है कि जो बैलून होता है उस बैलून के अंदर कुछ चीजें आ जाती हैं। जैसे मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ये मान लीजिए बैलून है, समझिए ये बैलून है, ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज करिए अभी फिलहाल ये 40 मीटर की ऊंचाई पर है, 40 मीटर की ऊंचाई पर है, और
इस तरह से है ये, ठीक है, और इस बैलून की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और यहां पर जब ये बैलून 40 मीटर की हाइट पर होता है, एक लड़का एक पत्थर छोड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन है, एम बॉय ड्रॉप्स ए क्वाइन when balloon is at a height of boy drops a coin when the balloon is at a height of 40 meters boy drops a coin when the balloon is at a height of 40 meter find the boy drops a coin when the balloon is at a height of 40 meter find the time when the ball will find the time when the ball will reach the ground Find the time when coin will reach the ground. ठीक है, तो वो समय आपको बताना है जब जो क्वाइन है वो जमीन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो कंसेप्ट है, मतलब आप दो मिनट का समय लेना पहले इसको सॉल्व करना, इसके अंदर जो कंसेप्ट है पहले वो मैं कंसेप्ट आपको बता दूं कि जब हम इसको क्वाइन को छोड़ेंगे, ठीक है, क्वाइन को छोड़ेंगे तो क्वाइन की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो बैलून की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वो बैलून के बराबर होगी, बैलून की 10 है तो क्वाइन की भी 10 होगी, तो पहले ये क्वाइन क्या करेगा, ऊपर जाएगा, रुकेगा और वापस आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वाइन की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो बैलून की है, बैलून 10 से ज्यादा था तो क्वाइन पहले ऊपर जाएगा, रुकेगा, वापस आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक बड़ा तरीका एक छोटा तरीका, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका तो यह है कि हम लोग ये यहां से यहां तक जाने का टाइम निकाल लें, फिर यहां से यहां तक आने का टाइम निकाल लें और दोनों टाइम को ऐड कर दें। तो मैं पहला ही मेथड इसके अंदर अप्लाई करने जा रहा हूं, यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 है तो मैं पहले तो यहां से यहां तक का टाइम निकालूंगा, यहां से यहां तक का टाइम निकालने के लिए हम लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस at, यहां पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, u की वैल्यू 10 है, एक्सेलेरेशन -10 है, तो टाइम किसके बराबर जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जो टाइम आएगा वो 1 सेकंड के बराबर आ जाएगा, ठीक है, और टाइम जो है वो 1 सेकंड के बराबर ही आ जाएगा, समय 1 सेकंड के बराबर आ गया। अब उसके बाद देखिए ये जो दूरी है, ये वाली दूरी अगर आप निकालेंगे तो 1 सेकंड में ये 5 मीटर ऊपर चला जाएगा, 1 सेकंड में ये 5 मीटर ऊपर चला जाएगा, अच्छा 5 ऊपर जाएगा और 40 ये नीचे आएगा, ठीक है, 5 मीटर ऊपर जाएगा 40 नीचे आएगा, तो कुल मिला के अब इसको 45 मीटर नीचे आना होगा, तो यहां से यहां तक जाने में इसने 1 सेकंड लिया, अभी देखते हैं 45 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो जब नीचे आ रहा होगा तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलेरेशन 10 के बराबर है, एक्सेलेरेशन 10 के बराबर है, और टाइम कितना लगा है, टाइम हमें पता लगाना है, टाइम हम टी मान लेते हैं, और एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस की जो वैल्यू आएगी वो 45 आ जाएगी। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर जो होगा ये टी स्क्वायर हो जाएगा 9, तो टाइम आ जाएगा 3 सेकंड, ठीक है। तो कुल मिला के यहां से यहां तक आने में इसको 3 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड इसको जाने में लगेगा, तो टोटल जो टाइम आएगा ये 1 प्लस 3 यानी ये 4 सेकंड हो जाएगी, टोटल टाइम की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 4 सेकंड, 4 सेकंड के बराबर समय लगेगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, पहला जो एकदम ऑब्वियस सा मेथड है वो ये है कि ये एक इस जाएगा 1 सेकंड ऊपर जाएगा और 5 मीटर ऊपर जाएगा, और 40 मीटर ये था, 5 और हो गया तो 45 मीटर से नीचे आएगा, 45 मीटर अगर नीचे आएगा यहां से 45 मीटर नीचे आने में इसको जो टाइम लगेगा वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो टाइम 4 सेकंड आ गया। ये इसका पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड इसका देखें,
दूसरा जो मेथड है ये यहां से चालू किया और यहां पहुंचा, इस जगह से स्टार्ट किया यहां पहुंचा, तो अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा यहां से यहां तक का, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यहां से ये चालू किया यहां पहुंचा है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी माइनस 40, u जो है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है, और a किसके बराबर है, माइनस 10 के बराबर है। भाई यहां से यहां पहुंचा, यहां से गया और यहां पहुंचा, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में बस इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है, रास्ते से मतलब नहीं होता है। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है, तो अगर वो यहां से चला और यहां पहुंचा तो माइनस 40 डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, यू की वैल्यू 10 के बराबर हो गई, एक्सेलेरेशन माइनस 10 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करें तो माइनस 40 इज इक्वल हो जाएगा 10t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब ये है इक्वेशन ये बनेगा 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इक्वल जीरो, आ जाएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद और फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल जीरो, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये टाइम की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 सेकंड के बराबर आ जाएगी। फर्दर और आगे सॉल्व करेंगे तो ये टाइम 4 सेकंड के बराबर जाएगा, तो सीधे ही आ गया। यहां से यहां तक हमने डायरेक्ट इक्वेशन लगा दिया s is equal to ut plus half it square, तो ये सीधे ही टाइम की वैल्यू 4 सेकंड के बराबर आ गई, ठीक है।